जय हिंद फ्रेंड्स, आपका अपने ड्रीम एयरफोर्स नेवी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एयरफोर्स एग्ज़ाम डेट है, बता रहे हैं कि कैंसिलेशन होगा, इनटेक 01 की जगह 02 हो जाएगा, स्टार एग्ज़ाम चेंज हो जाएगा, जुलाई में नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूँ, कन्फर्मेशन हो चुकी है, जिस प्रकार मैंने आप लोगों को, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है ड्रीम एयरफोर्स नेवी यूट्यूब चैनल, मतलब टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैंने आप लोगों को कन्फर्मेशन देता रहा हूँ लगातार, ठीक है। तो उसमें मैंने आप लोगों को कंफर्म किया था कि आप लोगों की जो साउथ स्टेट गवर्नमेंट है, उससे यदि ऑथोरिटी क्लियर हो जाती है, कंफर्म हो जाती है, तो आप लोगों की एग्ज़ाम है वो 12 से 18 जुलाई कंफर्म है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सीएसबी को रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा, 9 से 18 जुलाई एयरफोर्स एग्ज़ाम कन्फर्म बताई है सीएसबी ने, मतलब जिस प्रकार कॉल किया था, आप लोगों को रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, ठीक है। कोई अपने ग्रुप में भेजा था कैंडिडेट किसी ने, तो उसमें मतलब 9 से 18 जुलाई बताएगी। तो अब मैं आप लोगों को बता दूँ, रिकॉर्डिंग भी सुना दूँगा, चलो रिकॉर्डिंग भी सुना देता हूँ। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो आप लोगों की एयरफोर्स एग्ज़ाम है, किसी के चक्करों नहीं पड़ो, जुलाई में 100% है, ठीक है। आप लोग अभी से तैयारी जी जान लगा दी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा, एडमिट कार्ड डेट कब है, कब आएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कब आउट होगा। अब जल्दी आउट होने वाला, क्योंकि अथॉरिटी वो मतलब पहले तो डिले था कि मतलब इस स्टेट गवर्नमेंट ने कंफर्मेशन नहीं दी है, ठीक है, लेकिन अब क्लियर हो चुका है कि आप एग्ज़ाम करवा सकते हो 12 से 18 जुलाई के बीच। तो अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जल्दी जारी होने वाला है, ठीक है। तो वो डेट बता दूंगा, पहले आप लोगों को रिकॉर्डिंग में सुना दूंगा सर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ आप लोगों की जो एग्ज़ाम है वो, ठीक है, 9 से 19 जुलाई के बीच बताई गई, कैसी है वो देखो, 9 से 11 के बीच, ठीक है, 9 से 11 के बीच है वो, होता है मॉक, लैब में मॉक किया जाता है, ठीक है, वो 9 से 11 के बीच, ठीक है। इसके बाद जो मेन एग्ज़ाम डेट है, मेन वो है 12 से 18 जुलाई, जो मैं आप लोगों को 20-25 दिन से बता रहा हूँ, जैसे ही लैब बुक हुई थी उसके अकॉर्डिंग बता दिया था मैंने आपको, तो 12 से 18। और 19 जुलाई को, ठीक है, बफर डे होता है, ठीक है, जिसमें मतलब बाई चांस यदि लैब में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो उसमें 19 को भी एग्ज़ाम करवा सकते हैं, ठीक है। तो होता है बफर, ठीक है, बफर लेते हैं कि बाई चांस यदि दूसरी एग्ज़ाम है वो कंफर्म नहीं कर पाए लैब, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बताइए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अकॉर्डिंग सुना देता हूँ। अब इस वीडियो को यदि आप लोगों को बिलीव है, इसी यूट्यूब चैनल वाले पर कंफर्म इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो भी दिखा दूँगा मैं आप लोगों को, मैंने इससे पहले 2 वीडियो बना दी, लेकिन इस बार मैंने 100% कह दिए कि आप लोग जुलाई 100% है एग्ज़ाम, 12 से 18 जुलाई में दे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जल्द जारी होने वाला है, ठीक है। इसी रिकॉर्डिंग भी सुना दूँगा, को रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँ, आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ कर पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो, यस मैम, जय हिंद। जय हिंद, बोलिए मैम, ये स्टार एग्जाम कब तक हो सकता है जो पोस्टपोन हुआ है? जी, स्टार एग्जाम के लिए टेंटेटिव डेट्स तो आ चुके हैं 9 to 18 जुलाई, बट द थिंग इज कि अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे हमने नोटिफिकेशन लॉन्च नहीं किया है, तो जैसे ही अथॉरिटी डिसाइड करती है, ऊपर से ऑर्डर आता है, तो वो भी नोटिफिकेशन जो है वो लॉन्च हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मैम क्या आगे भी जा सकता है क्या? अभी तक तो ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं आए हमारे पास कि आगे पोस्टपोन होगा करके, बट द थिंग इज कि कैसा है कि अभी सिचुएशन पे भी डिपेंड रहता है, बट मुझे कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं आए कि इससे भी आगे पोस्टपोन हो सकता है। तो मेरे पास जो डेट्स आए हैं वो 9 to 18 जुलाई ही है, तो वेबसाइट ऑफिशियल चेक करते रहिए, नोटिफिकेशन शॉर्टली रिलीज हो जाएगा। और मैम ऐसा है कि मतलब ऑफिशियल से आता है उसके 1 महीने बाद ही एग्जाम होता है, तो ये जरूरी है? अभी कैसा है कि ऑलरेडी लेट हो चुका है प्रोसेस में, तो 1 महीने पहले जैसा आप बोल रहे हो कि नोटिफिकेशन के बाद 1 महीने के बाद होना चाहिए, बट द थिंग इज कि अभी पहला ही साइकिल था जो कि डिले होता गया, तो और डिले तो नहीं कर सकते, तो एग्जाम डेट्स का ही मैं बोल रही हूँ कि 9 to 18 जुलाई में हो सकता है, और उसके बाद फिर अगले साइकिल का शेड्यूल हो जाएगा। तो मैम लास्ट टाइम की तरह नवंबर में जाने के तो चांस नहीं? नहीं ऐसा कोई कुछ नहीं होगा, बिकॉज लास्ट टाइम का जो हुआ था उससे बहुत ही कंप्लेंट्स वगैरह आई थी, तो आई डोंट थिंक सो कि अथॉरिटी ऐसा कुछ डिसीजन लेगी। दोनों साइकिल होंगे, स्किप तो नहीं होगा साइकिल जी। एक मैम चांस भी चला जाता है ना बच्चों का? यस आई कैन टोटली अंडरस्टैंड,
आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट ऐसा होगा नहीं बिकॉज लास्ट टाइम जब हुआ था तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, तो फिर से वही डिसीजन नहीं लेंगे अथॉरिटी, आई नो दैट। तो देखो आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली है, ठीक है, और मैंने ग्रुप में छोड़ दिया इंस्ट्रक्शन कि 9 से 11 की मध्य मॉक है, 12 से 18 जुलाई मैन है, और 19 जुलाई को लैब में बफर है, मतलब कोई भी बाय चांस मिस्टेक हो जाए किसी डेट में तो ये 19 को करवा सकते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। तो मैन है वो 12 से 18 जुलाई के मध्य आप लोगों की एयरफोर्स एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी कैंडिडेट को पता चले जो कह रहे हैं कि इनटेक कैंसिल होगा वो होगा, कोई इनटेक कैंसिल नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन मतलब कन्फर्म हो चुकी है, जो अथॉरिटी करनी थी स्टेट साउथ स्टेट गवर्नमेंट से वो भी कन्फर्म हो चुकी है। तो अब ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट वो जल्दी आने वाला है, ठीक है, और यूट्यूब चैनल के चक्रों में मतलब आप लोग नहीं पढ़े और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे, विचलित ना हुई, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। आप लोगों की जो हाँ अब बता दूँ मैं आप लोगों की जो एडमिट कार्ड डेट है, ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आप लोग बता रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग देखो जल्दी आने वाला है, हो सकता है कल भी आ जाए परसों भी आ जाए जल्द आ जाए, लेकिन 25 जून मान के चलो 25 जून से पहले पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी हो जाएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एडमिट कार्ड डेट है वो 2 से 5 जुलाई के बीच आपकी ऑफिशियल डेट एग्ज़ाम डेट एंड एग्ज़ाम सिटी आ जाएगी, ठीक है, इसके बीच डेट, और 48 से 72 घंटे के मध्य आप लोगों की जो मैन एडमिट कार्ड है वो आ जाएंगे, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो, और इधर उधर तो मतलब मेहनत करने शुरू कर दो, आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, ना रैली बढ़ती आएगी ना कुछ और आएगा। ये देख सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चले कि हमारी एग्ज़ाम डेट ये है, जुलाई में होगा, कन्फर्म होगा, ताकि सभी कैंडिडेट को पता चले ये बात, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो ये एग्ज़ाम डेट के बारे में मैंने बताई दिया, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में।